भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव जय शाह अब नई भूमिका में नजर आने को तैयार हैं। दरअसल जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का चेयरमैन चुना गया है। जय शाह को निर्विरोध इस पद पर चुना गया, जहां वो 1 दिसंबर से मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। बता दें कि मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को नामांकन के आखिरी दिन जय शाह अकेले ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्हें ICC बोर्ड के सभी सदस्यों का समर्थन मिला। इसके बाद ICC ने उनके चयन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। जय शाह ICC के चेयरमैन के पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। बता दें कि जय शाह के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव रहते जिन लोग ने बोर्ड की कार्यशैली देखी है, वो जय शाह के इस लेवल पर पहुंचने से हैरान नहीं है, बल्कि सभी के मन में खुशी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। जय शाह की क्रिकेट प्रशासन में ऑफिशियल एंट्री 2009 में हुई थी, जब उन्होंने केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद के साथ जिला स्तर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वे गुजरात क्रिकेट संघ के कार्यकारी के रूप में राज्य स्तरीय प्रशासन में चले गए और अंततः 2013 में इसके संयुक्त सचिव बने। अब ICC चेयरमैन के तौर पर जय शाह के सामने अगले कुछ सालों तक विश्व क्रिकेट में अहम चुनौतियां होंगी, जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना और टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखना अहम है। बताया जा रहा है कि इतना तो लगभग तय है कि शाह कम से कम 2 कार्यकाल तक ICC चेयरमैन रहने वाले हैं, यानी कि दिसंबर 2028 तक वो चेयरमैन का पद संभालेंगे। बता दें कि उनके कार्यकाल के दौरान ही लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भी क्रिकेट की वापसी होगी। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जय शाह के ICC चेयरमैन चुनने के बाद भारतीय क्रिकेट का स्तर और कहां तक पहुंचता है।